वाराणसी क्राइम ब्रांच और फूलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में 3 लुटेरों को दबोचा। मुर्गा व्यवसायियों को प्रलोभन देकर करते थे लूटपाट। फूलपुर क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटनाओं का हुआ खुलासा। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट के 50,000 रुपए, तमंचा कारतूस, 2 बाइक, 2 मोबाइल और 2 चाकू बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी बदमाश जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाशों को SSP आनंद कुलकर्णी, SP क्राइम ज्ञानेंद्र नाथ और क्षेत्राधिकारी पिंडरा अनिल राय ने आज मीडिया के सामने पेश किया। द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम दीपक सिंह, अजीत कुमार सिंह और अभिषेक सिंह है। इन तीनों ने 2 घटनाएं की थी जो हाल ही में हुई थी, जिसमें फूलपुर थाना अंतर्गत रात में मुर्गा व्यवसायी जो होते हैं उनको रात में ये लोग बुलाते थे और उनको माल देने के बहाने बुलाते थे पैसा लेके और उनसे उनका पैसा लूट लेते थे। इसमें अभी तक 50,640 जो लूट का गया था वो पैसा बरामद हुआ है, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 1 तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है, इसके अलावा 2 चाकू बरामद हुए हैं और 2 बाइक जो लूट में प्रयोग किए गए थे और 4 मोबाइल जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित है वो भी इसमें बरामद हुए। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये खुद भी मुर्गा व्यवसाय से संबंधित है और इनके द्वारा इनके पास जो है लिस्ट रहती थी मुर्गा व्यवसायियों की, ये इनको रात में बुलाते थे, कुछ कम रेट में सामान देने के बहाने बुलाते थे और जौनपुर और वाराणसी के बॉर्डर पे ये लोग घटनाओं को अंजाम देके गायब होते थे। इनके द्वारा दूसरी घटना जो 13/14/6/19 को की गई है, इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा कई दिनों तक इसके ऊपर काम किया गया और इन लोगों का चिन्हितकरण करके इनकी आज गिरफ्तारी हुई है। अभी तक की जांच में इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है, फिर भी इसकी गहराई से और इनका आपराधिक इतिहास जौनपुर जनपद से भी जांच कराया जा रहा है और पता करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जिसमें एक ही पैटर्न पे होने वाली इस तरह की घटनाओं का आज खुलासा हुआ।